बिना राजनीति के अधूरा है ना इतिहास जो है। हम राजनीतिक मीटिंग में भी कभी गए तो वहां भी हमने राजनीति की बात नहीं की। हाँ लेकिन इतिहास अपने आप में ही राजनीति है क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा इतिहास में लोग निर्णय लेते रहे हैं। हाँ चाहे मुस्लिम काल रहा हो या हिंदू काल रहा हो। देखिए ऐसा है राजीव जी कि अब तक जो हम लोगों को इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो भी पाठ्यक्रम में निर्धारित है या इतिहास की किताबों में लिखा गया है वो इतिहास ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे इस देश में यह वर्ण व्यवस्था शुरू से लागू हुई और हम लोग भी हजारों साल से शोषित रहे हैं हजारों साल से पद्दलित रहे हैं ऐसी हम लोग शब्दावली भी प्रयोग करते हैं जबकि वास्तविकता इतिहास की इससे भिन्न है। ये दृष्टि इसलिए उत्पन्न हुई कि हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उस इतिहास का निर्माण जिन ग्रंथों के आधार पर हुआ है वो ग्रंथ वर्णवादी हैं। बस वैदिक वैदिक काल उत्तर वैदिक काल उपनिषद काल महाकाव्य काल रामायण काल तो इस प्रकार का जो काल निर्धारण हुआ जो इस देश के चंद लोगों का मात्र 3% लोगों का साहित्य हो सक उस साहित्य के आधार पर 97% का इतिहास कैसे पूरे देश का लिखा जा सकता है जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। भाई वर्ण व्यवस्था सभी जानते हैं कि थियरी में चाहे जहां हो लेकिन उसको लागू करने की ताकत और शक्ति किसके पास होती है? राजसत्ता के पास होती है ना, राजा के पास होती है। जैसे लोकतंत्र में कोई विचारधारा या कोई कार्यक्रम हो कौन लागू करता है? उसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लागू करता है। तो ऐसे प्राचीन काल में जो सत्ता पर काबिज थे जो भी काबिज रहे हो तो काबिज लोगों का चरित्र उनकी विचारधारा और उनकी नीति और उनकी दृष्टि ही तो प्रजा पर लागू होगी। ये तो खुली बात है, ये खुली बात है। अब बात ये है कि ये पुष्यमित्र सेनापति था हाँ बृहदत्त का। हाँ बृहदत्त मौर्य वंश का आखिरी राजा था। तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग सेनापति के रूप में वर्ण व्यवस्था लागू कर देगा? नहीं, इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है उसी समय तो हत्या किया ना धोखे से हत्या करके और ये धर्म चला दिया वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था लागू किया उसी सर था। सर आपका कहना सही है लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग ने चलाया हम मनुस्मृति की बात कर सकते हैं रामायण में जो वर्ण व्यवस्था की बात है उसका कार्यकाल कितने समय तक रहा? 100 साल तक रहा। 100 साल के बाद फिर कनिष्क आ गया, कनिष्क के बाद फिर गुप्त लोग आ गए, गुप्त के बाद हर्षवर्धन आया और 11वीं शताब्दी तक तो पाल वंश रहा। तो जब आप शुरू से देखें नंद वंश ब्राह्मण धर्म का अनुयायी नहीं रहा, वैदिक धर्म का अनुयायी नहीं रहा, वर्ण आश्रम धर्म का अनुयायी नहीं रहा, मौर्य लोग चंद्रगुप्त को देखिए जैन धर्म अनुयायी था, चंद्रगुप्त जब राजा हुआ सम्राट हुआ अखंड भारत की स्थापना की या सिंहासन पर बैठा तो न उसने राजसूय यज्ञ किया न वाजपेय यज्ञ किया न कोई वैदिक रीति रिवाज से कोई पूजा पाठ किया क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था नहीं मानता था। उसका बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय का था, वो भी श्रवण संस्कृत के अंग है, वो भी वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हैं। इसी ढंग से अशोक बुद्धिस्ट था, उसके बाद के लोग बुद्धिस्ट थे। इसके बाद आप देखिए कि थोड़े समय पुष्यमित्र शुंग को छोड़ दिया जाए लेकिन पुष्यमित्र शुंग की आप स्थिति देखिए, मैं जाति और उसके अनुसार उन पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसकी राजनैतिक ताकत देखिए या ताकत कह दीजिए राजा के रूप में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पाटलिपुत्र राजधानी में रुक सकता था नहीं सर, लेकिन वो अपनी राजधानी शिफ्ट करके अयोध्या में साकेत में अयोध्या में बनाया। और जो आदमी पाटलिपुत्र में नहीं रुक पाया यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं राजहंता की पश्चाताप की बात या इतना कमजोर था कि उनके विद्रोह को वहां वो झेल नहीं सकता था। तो 100 साल में पुष्यमित्र शुंग आया जिसने वर्ण व्यवस्था को लागू करने का इस देश में प्रयास किया लेकिन इसके बाद फिर कनिष्क आ गया। नहीं सर, कनिष्क का हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अशोक के जो शिलालेख है जो वास्तव में व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन चीजों के बारे में वर्तमान में सोचा नहीं जा रहा है।
यहाँ तक कि अशोक के शिलालेख जहाँ है या गुजर्रा में जो शिलालेख है आप जाके देख आइए, उसका क्षरण हो रहा है। वो चीज अगर क्षरित हो जाएगी दोबारा लौट के नहीं आना। जो अशोक के टाइम का लिखा हुआ शिलालेख है और आप लोग जाके देखाएं, गुजर्रा में देखाएं या जहां जहां लिखा हुआ है कालसी में देखाएं, वो क्षरण हो रहा है। एक तरह से उस सही इतिहास को भुलाने का काम किया जा रहा है और काल्पनिक जो चीजें थी, जो मानसिक चीजें थी, उसको ऐसा थोपा जा रहा है कि वही सही है। और व्यवहारिक जीवन, धर्म का मतलब क्या है कि व्यवहार आदमी कैसे करे, शील सदाचार की बात कही गई है, लेकिन शील सदाचार के बारे में कोई नहीं सिखा रहा। आप प्रेरणा उससे ज्यादा ले सकते हैं जो धरती पर जन्म लिया होगा, ये अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आप ये देखिए ना कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसी से इतिहास लिख दिया गया और उनके लिखे गए चीजों को, जो थियरी थी उसको मान लिया गया, जैसे समाज में लागू कर दिया गया। बुद्ध के बाद से, जो मैं बात कहना चाहता था कि 100 साल सिर्फ शुंग वंश रहा और उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया, इसके अतिरिक्त कोई भी राजा ऐसा हुआ ही नहीं। जोर नहीं दिया, लागू कराया, दर्शन कराया। हाँ, लागू कराया। एक गर्दन काट के ले आने वाले को 100 दिनार इनाम दिया है। शुंग वंश के बाद फिर कहाँ लागू हुआ, किसे लागू किया? लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो एक थोड़ा सा एक 100 साल निकाल दें, 100 साल निकाल दीजिए, लेकिन इसके बाद कनिष्क आ गया। इसके बाद गुप्त वंश राजा के बारे में मैं सर बताना चाहता हूँ कि तमाम गुप्त राजा ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध विहारों का बाकायदे निर्माण किया, स्वयं उनकी रानियों ने और स्वयं वो लोग निर्माण किया। उनका सेनापति सूर्यगुप्त। हाँ, और आप ये देखिए कि समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन जिसे समुद्रगुप्त कहा जाता, उसका सेनापति बौद्ध था। यानी बौद्ध सेनापति के नेतृत्व में समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन बनता है और उस बौद्ध धर्म को भारत में तमाम लोग ये कहते हैं कि देश को नपुंसक बना दिया। हाँ। यानी जिस बौद्ध सेनापति ने नेपोलियन दिया नेतृत्व में, समुद्रगुप्त नेपोलियन भारत का बन रहा है, उस बौद्ध धर्म को कहते हैं कि इस देश को। नाम क्या था सेनापति का? सूर्यगुप्त। सूर्यगुप्त, सूर्यगुप्त। एक उनका बेटा था बालादित्य। अच्छा, वो भी बुद्धिस्ट हो गया था। गुप्त के बेटे? हाँ, नहीं, सूर्यगुप्त का नहीं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बेटे बालागुप्त और उनका सेनापति सूर्यगुप्त, ये दोनों बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट थे और बालादित्य जो था उसका जो गुरु था बौद्ध था और इतना बढ़िया पढ़ाया लिखा है कि समुद्रगुप्त खुश होकर के उसको ढेर सारा इनाम दे दिया। वसुबंधु जो गुरु थे, जब ढेर सारा इनाम दे दिए तो उन्होंने 4 लाख 16 मुद्राएं दिया था। उन्होंने अयोध्या जाकर साकेत में जो बनाया था उसने बनाया था, तो वहां जाकर बहुत वसुबंधु ने बहुत बड़ा बौद्ध विहार, वसुबंधु ने साकेत बताया, साकेत में बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनाया। उसी पहले साकेत पहले से ही था, साकेत तो पहले से था, साकेत तो प्रसेनजीत के समय से था, प्रसेनजीत के समय से था। तो साकेत में जो विशाखा थी वो उसने वहां मिगार माता का जो बुद्ध विहार कहा जा रहा है, जो आज की विवादित जगह है, वो मिगार माता का बनाया हुआ बुद्ध विहार, महाबुद्ध विहार। तो ये जो समुद्रगुप्त का पुत्र था उसका गुरु कौन था? बौद्ध वसुबंधु, जो बहुत बड़े दार्शनिक है। इसी ढंग से उसका सेनापति कौन था? बौद्ध था। उसका लड़का समुद्रगुप्त के बाद बालादित्य जब हुआ तो कुछ समय तक वो भारत का सम्राट रहा, इसके बाद खुद वो बौद्ध भिक्षु हो गया। गुप्त वंश भी मतलब सर्वधर्म संभाव वाले थे और उन्होंने कभी भी वर्ण व्यवस्था को एज शासन सत्ता की नीति के रूप में नहीं लागू किया। तो जब उन्होंने नहीं लागू की, मौर्यों ने नहीं लागू की, कनिष्क ने नहीं लागू की, हर्षवर्धन ने लाइए लागू की, हर्षवर्धन का ही तो ये पाल है। पाल वंश के समय तो आप ये समझिए कि पाल वंश 11वीं 12वीं शताब्दी के मध्यकाल तक रहा। पाल वंश को ही गौरव जाता है कि इस देश में नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालों ने बनाया। और आप जानते हैं कि ये विश्वविद्यालय आज कहा जाता है जबकि ये मूलतः महाविहार थे, बौद्ध महाविहार थे, नालंदा बौद्ध विहार और ये, हाँ, नालंदा बौद्ध विहार। और बौद्ध विहारों में हर आदमी को प्रवेश की पूर्ण छूट थी, वहां वर्ण व्यवस्था की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि बौद्ध राजा का वर्ण व्यवस्था से कोई लेना ही देना नहीं है। मतलब दूर दूर तक उसके सोच और सपने में भी नहीं हो सकता कि हमें ये वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था पढ़ाई कहाँ गई? कहाँ पढ़ाई गई? जब यूनिवर्सिटी नहीं था, कोई संस्थान नहीं था,
और राजा भी नहीं थे तो लागू किसने किया? बाण व्यवस्था का, बाण व्यवस्था लागू हुई राजपूत काल में, एक शुंग काल में लागू हुई, फिर राजपूत काल में लागू हुई। जब राजपूत काल में लागू हुआ तो ये पूरा देश चौपट हो गया, हजारों टुकड़ों में देश बट गया, 85% लोगों को आप शिक्षा से वंचित कर देंगे, सत्ता से वंचित कर देंगे, समृद्धि से वंचित कर देंगे, तो कहाँ कौन सा समृद्ध देश बनेगा भाई? 85% था क्या? 85% इसलिए था कि इनकी धारणा में जो शूद्र था जी, शूद्र की धारणा तो इनकी थी, जो आम जनता थी वो शूद्र हो गई। गुरुकुल की पढ़ाई में पढ़ता कौन था भाई? जो तब भी जनसंख्या का अनुपात 85 ही था उस समय, निश्चित रहा होगा, इसलिए रहा होगा कि देखो ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्षत्रिय इन्होंने राजपूतों को बनाया, क्षत्रिय तो शुद्ध वाले रहे नहीं, उन्होंने व्यवसायी वर्ग, देखिए वही व्यवसायी वर्ग भगवान बुद्ध के समय बुद्धिस्ट हो गया भाई। व्यवसायी वर्ग तो ऐसा होता है कि शासन सत्ता के अनुसार उसकी मनोवृत्ति बदलती रहती है, उसको तो अपना व्यापार फले फूले, उसका व्यापार फले फूले। जब भगवान बुद्ध का दर्शन चल रहा था कनिष्क के समय, अशोक के समय, तो सभी बुद्ध के तमाम अनुयायी देखिए व्यवसायी थे। व्यवसायी को एक वर्ड में ये कौन कन्वर्ट करता है? ये ब्राह्मणी व्यवस्था कन्वर्ट करती है ना। व्यवसायी कोई वर्ड अपने आप में तो नहीं है ना, व्यवसाय तो कोई भी कर सकता है। इसी जगह का महाविहार जो बनाया था कौन? हाँ, जेतवन का अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक वो तो व्यवसायी था। और इसी ढंग से पैसा बिछा करके, इसी ढंग से जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण होंगे, ये ब्राह्मण का कंसेप्ट है ना वर्ण व्यवस्था का। अन्यथा पढ़ने वाले तो तमाम बौद्ध विद्वान रहे, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो सब ब्राह्मण रहे। धम्म पद में ब्राह्मण वर्ग है ना, एक ब्राह्मण वर्ग। इसी ढंग से शासन सत्ता करने वाले तमाम लोग रहे, लेकिन इनके अनुसार शासन सत्ता करने वाले सिर्फ क्षत्रिय कहे जाएंगे। तो इन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बाकी तो आम जनता बची ही, तो आम जनता को इन्होंने शिक्षा सत्ता और समृद्धि से का रास्ता रोक दिया, क्योंकि नहीं क्षत्रियों में ही एक क्षत्रिय होते हैं। हाँ, ये जो है धीरे धीरे हुआ कि एकाएक कोई आकर के वर्ण व्यवस्था बना दिया। देखिए ऐसा है, इनकी सोच में था, थियरी में था, आइडियोलॉजी में था। और जब इनको राजपूत काल में ताकत मिली तो उस ताकत के बल पर इन्होंने, राजपूत काल कब था? राजपूत काल ये आप मोटा मोटी समझिए कि हर्षवर्धन के बाद से इधर शुरू हुआ और उधर पाल वंश के बाद, त्रिगुट राज संघर्ष के बाद, वही हर्षवर्धन के बाद ही समझिए। हर्षवर्धन 700 में था, 1100 के बाद त्रिगुट राज संघर्ष 1100 के आसपास था ना, 1100-1200 के बाद ही जो है वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे और उसी वर्ण व्यवस्था के कारण ये देश पूरा विभिन्न टुकड़ों। आप ये बताइए इस देश में कौन सा, आप पूरे देश में, मैंने जैसे बताया कि 100 साल अगर शुंग वंश छोड़ दिया जाए तो एक भी क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण का आदमी सम्राट नहीं हुआ। नंद क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण नहीं, मौर्य क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण नहीं, कनिष्क क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं, हर्षवर्धन क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं, गुप्त भी नहीं। गुप्तों का तो आज तक पता ही नहीं इतिहास। अच्छा, आप फिर जबरदस्ती वर्ण ढूंढते हो हर आदमी का, व्यवस्था नहीं मानता उसका क्यों वर्ण ढूंढते हो? जैसे मौर्य लोग भी अपने को कहेंगे हम क्षत्रिय हैं। अब एक शब्द था खत्ती, खत्ती माने खेती, जैसे जमींदार नहीं होते, जैसे अंग्रेजों के समय जमींदार जमीन वाला, यानी बड़े बड़े जमींदारों का जिसको बंदोबस्त करने का दिया, और वही राजा भी होता था। जैसे राजा मांडा क्या थे, हमारे बीपी सिंह, बहुत बड़े अंग्रेजों के जमींदार थे और साथ ही साथ राजा शब्द भी था, उस एरिया के शासक भी थे। ऐसे ही खत्ती बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग वाले थे, जमींदार समझिए, और वही शासक वर्ग भी थे। तो जब वर्ण व्यवस्था के लिए एक शब्द ढूंढा जा रहा था तो खत्ती को उन्होंने क्षत्रिय कर दिया। छत्री से खत्ती नहीं हुआ है, बल्कि खत्ती से छत्री से खत्ती नहीं हुआ, बल्कि खत्ती से छत्री हुआ है। तो हम लोग भी उसी भ्रम में पड़े हुए हैं, सूर्यवंशी छत्री, चंद्रवंशी छत्री। अरे भाई इस पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश था ना, इक्ष्वाकु जो वो लगे हाथ। ये भी आप डिफाइन कर लीजिए, कंफ्यूजन दूर करिए, कि जो अभी राजनाथ सिंह ने ये कहा कि ये जो है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य नीच वर्ण के थे, तो इस पे हमारे समाज, मतलब हमारे समाज का मतलब मौर्य शाक यानी कुशवाहा समाज के लोगों ने जो आपत्ति दर्ज कराई। देखो ऐसा है, हम लोग बौद्ध विचारधारा के हैं और भारतीय संस्कृत मोटा मोटी श्रवण संस्कृत का दूसरा ही नाम है। इसको चंद लोगों की संस्कृत को पूरा भारतीय संस्कृत बनाने का जो
खुद से प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। इस देश में जो समतावादी सोच है, करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, जो कबीर की विचारधारा है, महावीर की विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, समतावादी विचारधारा, यही भारत की मूल संस्कृति है और यही भाईचारा बनाती है। और इस संस्कृति में वर्ण व्यवस्था से क्या लेना देना। जैसे जब हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तुरंत कहते हैं अरे बड़ा जातिवाद फैल रहा है। अरे भाई, जातियां तो व्यवसाय के आधार पर बनी ना। जो लोहार का काम करता था, लोहे का काम, उनका एक समूह बन गया, समूह बनते बनते एक बड़ा समाज बन गया। इसी में तमाम विदेशी आक्रमणकारी आए तो जिस व्यवसाय करते थे उसी में वो मतलब फिट हो गए। तो ये जातियां बनी व्यवसाय के आधार पर, इनका वर्ण व्यवस्था से क्या लेना देना। भाई, जातियां ऊंची या नीची ये वर्ण व्यवस्था देता है, लेकिन जातियां व्यवसाय के आधार पर बनी। भाई, जैसे खेती करने वाला खेतियों का, भाई भेड़ पालने वाले का, लोहे का काम करने वाला, कुहार का काम करने वाला, बाल बनाने वाला, इस ढंग से जो डिफरेंट ये व्यवसायिक वर्ग बना ये अलग है, वर्ण अलग है। वर्ण में ऊंच नीच की भावना है और जाति में ऊंच नीच की भावना नहीं है। जाति टूट सकती है क्योंकि देखिए ये भौतिक परिस्थितियों में बनी है, इसलिए इसका वजूद टूट सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा शिक्षा बढ़ेगी, हमारा मिश्रण होगा, लेकिन वर्ण व्यवस्था सुन लीजिए, वर्ण व्यवस्था धर्म और आध्यात्म से पोषित है, इसलिए सबसे खतरनाक चीज वर्ण व्यवस्था है, विरोध इसका होना चाहिए। मैं जो पूछ रहा था कि चंद्रगुप्त और के समय वह वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी जो आज है, नहीं थी, तो लोग फिर ऊंच नीच वाली बात, गलत 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 बात है, वो तो इंसान थे, मानव थे। नहीं, राजनाथ सिंह ने जो बोल दिया वह उनकी सभ्यता संस्कृति रहेगी कहा, लेकिन जो अपने लोग जो भ्रमित थे उस पे वो क्या कहना। देखिए, ऐसा है, चंद्रगुप्त इस देश का, अखंड भारत का निर्माता, और जो इतना बड़ा योद्धा हो, जिसके अंदर इतनी बड़ी प्रतिभा हो, क्षमता हो, बुद्धि क्षमता भी और बाहुबल भी, अब वो कहाँ से उसको मतलब क्या कहेंगे, साधारण परिवार के थे या कहें, नहीं क्षत्रिय तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा साधारण उसके थे। तो देखिए, व्यक्ति तो सभी साधारण पैदा होता है ना, असाधारण तो अपनी प्रतिभा के कारण होता है, तमाम लोग साधारण पैदा होते हैं। वैसे वर्ण व्यवस्था सर व्यवहारिक रूप से अमरकोश जो है ना, अमर सिंह ने लिखा है, वो अवसदस्य नहीं लिखा है, बल्कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण में बांट करके शब्दों का डिफाइन किया है। तो व्यवहारिक शुरुआत तो वही अमरकोश से शुरू हुआ। उसके बाद बराह मिहिर ने बताया कि ब्राह्मण का घर कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय का घर कैसा होना चाहिए। कभी भी नहीं रही प्राचीन भारत में, ये मिथ है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू रही, समझ गए। और 85% को शिक्षा, सत्ता और समझ से वंचित इन लोग कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए, नहीं तो हर्षवर्धन बौद्ध राजा होता, अन्यथा उदंतपुरी, विक्रमशिला और क्या नाम है, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनते जिसमें सभी लोगों को प्रवेश का अधिकार था। जब पाल वंश समाज को सत्ता पर है तो संस्कृति और विचारधारा को समाज को कौन नियंत्रित करेगा, राजा ही तो करेगा। अगर राजा बौद्ध है तो किसकी औकात है वर्ण व्यवस्था लागू कर देगा। हर्षवर्धन के समय किसकी औकात है कि वो वर्ण व्यवस्था लागू कर देगा, भाई कैसे लागू कर देगा। उसके लिए जबरदस्ती की 85% नहीं पढ़ेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे, राजा नहीं बनेंगे, ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना, लाठी लेकर के आप खड़े हो जाएगी, ये काम नहीं करोगे। तो ये तभी संभव है जब आप सत्ता पर काबिज हो, बिना सत्ता के कैसे संभव है। तो जो जब इनकी सत्ता ही नहीं रही तो कहां से वर्ण व्यवस्था लागू कर पाएंगे, आप बता दीजिए हम। तो इसका मतलब 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद ये वर्ण व्यवस्था लागू होना, बिल्कुल बिल्कुल तेजी से, और तब से अब तक लागू है, पूरा देश बर्बाद हो गया उसी का। लागू होते ही देश बर्बाद हो गया। लागू होते ही 712 ईस्वी में पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, इनको मैं तो सबक सिखा दिया। 7,000 राजपूतों की सेना, एक तरफ 6,000 सेना लेके आया था मोहम्मद बिन कासिम। आप ये बताइए, ये कहते हैं कि 712 में ये कहते हैं कि देश बौद्ध धर्म के कारण नपुंसक हो गया, और 7वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन जैसा महान शासक हो रहा है जो बौद्ध है, पाल इतना बड़ा शासक, और त्रिगुट राष्ट्र संघर्ष में 3 हिस्से भारत बटा था, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया के, गुर्जर प्रतिहार दिल्ली, और पाल वंश बंगाल का।
इन तीनों का हमेशा आक्रमण होता रहा एक दूसरे के खिलाफ। उसी में कभी दिल्ली पे कब्जा राष्ट्रकूट को होता था, कभी पाल का होता था, कभी गुर्जर प्रतिहार का होता। वो पाल त्रिकुट जब संघर्ष हुआ तो उसमें गुर्जरों को प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार और राजपूतों को तगड़ी संघर्ष दिए हैं, तो बिना सेना के दे दिए। नपुंसक लोग थे जो दे दिए, बताते हैं निर्वीर्य कर दिया देश को, ऐसे ऐसे शब्दावली प्रयोग करते हैं हाँ, कि बौद्ध धर्म के कारण अशोक ने तलवार का, अरे भाई अशोक ने तलवार छोड़ा लेकिन ये थोड़ी कहा कि हम तलवार छोड़ करके सेना हटा दे रहे हैं। सबसे बड़ी सेना अशोक की थी, अशोक की थी, अशोक के रहते किसी की हिम्मत हुई हरण करने की उसके ऊपर। और देश की एक बहुत बड़ा विडंबना राजीव जी बताएं कि महापद्मनंद जैन धर्मानुयायी और नंद वंश जैन धर्मानुयायी। जैन धर्म में बौद्ध धर्म से ज्यादा अहिंसा की बात की गई है, और उस व्यक्ति ने अखंड भारत का निर्माण की शुरुआत की देश में, और पहली बार पूरे उत्तर भारत का एकीकरण महापद्मनंद नाई बिरादरी ने किया। और किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। और जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा अहिंसा की बात करता है, तो जब जैन धर्म से वो नपुंसक नहीं हुआ तो बौद्ध धर्म से कैसे आदमी नपुंसक हो जाएगा। और जिस नंद वंश की सेना का नाम सुन करके सिकंदर के सैनिक वापस चले गए उसकी सिर्फ ख्यात सुनकर बिना लड़े, तो ये सब भारत बनाए। लेकिन भारत तभी बनेगा ना जब समता की बात होगी, क्योंकि जैन धर्म समता की बात करता है। वहां ईश्वर नहीं है, वहां वर्ण नहीं है, वहां बराबरी है, वहां मानवता है। बौद्ध धर्म बराबरी की बात करता है, सबके लिए शिक्षा सत्ता और समृद्धि की बात करता है। तो राष्ट्र का निर्माण ऐसे होता है ना, बड़ी चीजों का निर्माण ऐसे होता है, है? इसीलिए इस देश में जो तथाकथित आज भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, इस भारतीय संस्कृति से कभी देश का निर्माण नहीं हुआ है, है? जो आज कह रहे हैं फलाने महापुरुष का देश है, फलाने ग्रंथ का देश है, फलाने महाकाव्य का देश है, अरे भाई चंद्र देवी देवता पोथी पत्रा ईश्वर महापुरुष यही देश है क्या? नहीं, भारत तो अशोक का है, भारत अकबर का है जी जी, न कि भारत छोटे छोटे राजाओं का है, छोटे छोटे नवाबों का है जी जी। कभी कभी अखंड भारत के निर्माण की बात करने वाले अशोक की बात करते हैं? कभी एक भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए आप पूरे देश में महापद्मनंद चंद्रगुप्त और अशोक के नाम पर हो, हर्षवर्धन के नाम पर हो, अकबर के नाम पर हो, यहाँ तक अकबर के नाम पर हो, इनसे बड़ा क्या कौन आइकन है इस देश का, राष्ट्र का? लेकिन नहीं है। अरे जबकि अकबर के जमाने में ये रामायण रचना हुई, हाँ तुलसीदास की, तुलसीदास रामायण रचना की, और वो भी मतलब इतना सहिष्णु कि उसके जमाने में रामायण लिखी गई और उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा ये 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 बाबरी मस्जिद है क्या है। अरे कबीर दास जो भाषा इस्तेमाल मुसलमानों के समय बोल दिए, आज बोलते तो लोग इनको 153 बी में जेल भेज देते राजद्रोह में, क्यों? या सांप्रदायिक सद्भाव। तो आप ये सोचिए कि कबीर जैसा व्यक्ति वो भी काशी में बैठ करके बनारस में बैठ कर ऐसी बात कह रहा है, इसका अर्थ हुआ कि मुगलों ने एक सहिष्णु समाज बनाया था, अन्यथा तो मुसलमान ही कबीर का गर्दन काट देते। मुगलों ने सहिष्णु समाज बनाया लेकिन तथाकथित हिंदुओं से जो आज संस्कृति चल रही भारतीय संस्कृति, उसके लोगों के गिरोह से डाली चढ़वाया। हाँ हाँ डाली चढ़वाया, और चंद्रगुप्त मौर्य डाली चढ़वा लिया। हाँ ये डाली क्या? अरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य मतलब जो उसका त्रिलोकस का दामाद हो गया, तो सर बड़े वैसे इमोशनल इश्यूज हैं, इन लोगों में हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों का ये कहना है, ये है कि नहीं है, ये तो कि जिसको ये भारतीय संस्कृत बताते हैं वह वास्तव में भारतीय संस्कृत का एक अंश है। नहीं कभी भारत की संस्कृत वो रही ही नहीं, जो एक अंश है जो हाँ जो प्रेजेंट किए हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं और जिसको राष्ट्रवाद का आधार बता रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या अर्थ हुआ? एक ऐसा राष्ट्र जो किसी कल्चर पर आधारित हो, तो वो कल्चर क्या होगी? वह यह कल्चर बता रहे हैं जो भारत के सिर्फ 3% विचार को, संस्कृति को, धारा को, दर्शन को रिप्रेजेंट करता है।
97% तो समतावादी दर्शन के लोग रहे हैं ना, वो अशोक नहीं लड़ना चाहते, अशोक बात नहीं करते, बुद्ध की बात नहीं करते, जो जिस राम राज्य में शंभुक ऋषि जैसे लोगों की हत्या हुई पढ़ने पढ़ाने वालों का। भाई देखिए, राष्ट्र के मानक वही महापुरुष हो सकते हैं ना जो समता की बात की है। जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात की वो कैसे राष्ट्र के मानक हो सकते हैं? उनका राष्ट्र से क्या मतलब है? राष्ट्र बनता है जोड़ने से कि राष्ट्र बनता है विभाजन से? राष्ट्र जोड़ने से, जोड़ने से बनता है ना। तो वर्ण व्यवस्था करती क्या है? जोड़ती है कि तोड़ती है? तोड़ती है। क्या करती है? तोड़ती है। तो जो तोड़ता है वो कैसे राष्ट्र बनाएगा? और जो तोड़ने वाली वर्ण व्यवस्था के समर्थक ग्रंथ है या महापुरुष है वो कभी भी राष्ट्रीय महापुरुष नहीं हो सकते। राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव के ये प्रश्न नहीं है। वो किसी एक धार्मिक संप्रदाय के देवी देवता हो सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं और पूरा सम्मान है, लेकिन राष्ट्र से कैसे तुलना करेंगे? राष्ट्र में या तो राष्ट्र सब मिलाकर बनता, एक तरफ कहते हैं ना राष्ट्र सब मिलाकर बनता, तो सब मिलाकर तो राष्ट्र में बुद्ध भी आ गए, जैन भी आ गए, कबीर भी आ गए, रैदास भी आ गए, हैं, गुरु नानक भी आ गए, ईसा मसीह के भी लोग आ गए, मोहम्मद साहब के भी लोग आ गए, अशोक आ गए, राष्ट्र लोग हैं तो राष्ट्र के बाहर थोड़े जाएंगे। तो जो लोग राष्ट्र निर्माण में सबने योगदान दिया है। एक और बड़ा प्रश्न है, ये लोग मुस्लिमों से कहते हैं कि हमारे पुरखे को पुरखा मान लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने कहा भाई पहले तो ये तय हो दो कि पुरखे की परिभाषा क्या है। हमारे सामान्य बुद्धि के अनुसार जो घर में मर गए हैं वो सब पुरखे हैं मेरे। इस देश की धरती पर जो पैदा हुए, जो मर गए, सभी पुरखे हैं भाई। रावण भी पुरखा है, सुपर्णखा भी पुरखा है, औरंगजेब भी पुरखा है, अकबर भी पुरखा है, कनिष्क भी पुरखा है, हर्षवर्धन भी पुरखा है, अशोक भी पुरखा है, चंद्रगुप्त भी पुरखा है, दैत्य दानव राक्षस सभी पुरखे हैं। ठीक, पुरखे हैं कि नहीं है? या तो इस पर एक बहस हो, पुरखे का मतलब क्या है? नहीं, पुरखे में अच्छे पुरखे भी होते हैं और बुरे पुरखे भी होते हैं, इस पर राष्ट्रीय बहस नहीं। लेकिन जिस पुरखे का वंश है, तो जिस पुरखे का जो वंश है उसके लिए तो वही अच्छा है ना, वो दूसरे के पुरखे क्यों मानेगा? वो क्यों मानेगा? और दूसरे देखिए, वो मुसलमानों से तो कह रहे हैं और जानते हैं मुसलमान तो मानेगा नहीं इनको पुरखा। प्रकारांतर से वो जबरदस्ती देश, पूरे देश का उनको पुरखा घोषित करना चाहते हैं कि सब मान ले पुरखा। भाई हम क्यों मान ले? जो वर्ण व्यवस्था का पोषक महापुरुष है उसको हम अपना पुरखा आदर्श क्यों मान ले? पुरखे हैं देश के, ठीक है, लेकिन अपना आदर्श हम क्यों मान लेंगे भाई? आप ही बताओ। एक है जो गांव को तोड़ने की बात कहे, एक जो है गांव को जोड़ने की बात कहे, तो पुरखे तो दोनों है गांव के ना, तो आप श्रद्धा किसके प्रति करते हो? एक जो झगड़ा लगाते हैं तोड़ते हैं कि एक जो जोड़ते हैं, किसको सम्मान के साथ देखते? जोड़ने वाले, जोड़ने वाले को देखते हैं। इस पर कभी बहस हुई नहीं कि जो जिनको ये बहस नहीं होती, जिन पर ये पुरखा बता रहे हैं कौन मान्य पुरखा है कौन? भाई अकबर क्या पुरखा नहीं है? उससे बड़ा राष्ट्रवाद के संस्थापक कौन है? कभी आप बात जैसे कहा गया कहा, और वो तो ये प्रकारांतर से मुस्लिमों पर नहीं थोप रहे हैं, ये प्रकारांतर से पूरे देश पर थोप रहे हैं कि इनको मान लीजिए कबीर से बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? इस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ मान लीजिए। अरे भाई राष्ट्र का क्या संबंध है उस ग्रंथ से? कोई इस पर बहस होना, कौन से राष्ट्र का निर्माण किया? किसी राजा ने उसके आधार पर एक भी राष्ट्र बनाया हो, एक भी बड़ा काम किया हो तो बता दे भाई। भाई किसी ने उसको आदर्श मानते हुए एक भी बड़ा साम्राज्य बनाया पूरे देश में? इवन शुंग ने जो राजधानी बनाया, राजधानी सिमट गई, जो मगध पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये साकेत गए तो साकेत से लेकर मगध के इसके बीच सिमट गए, और जो तक्षशिला और उज्जैन ये सब राजधानी कुछ नहीं रोक पाए। यूनानियों का आक्रमण होता रहा, यूनानियों का आक्रमण सुंगकाल में होता रहा, बाद में सुंगकाल बिखर गया, तो बिखर गया कनिष्क आया। अच्छा, तो इतिहास जो हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति या भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या भारतीय इतिहास के नाम पर जो परोसा जा रहा है, वो चंद विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। इस पर बहुत ज़्यादा फिर से, और हम लोग भी क्योंकि वही पढ़े हैं तो उन्हीं के चंगुल में हम लोग भी फंस जाते हैं, हम लोग भी इसे शुरू कर जाते हैं, इन्होंने देश को ये कर दिया। 712 के बाद 1026 ईस्वी वाला हाँ गजनवी जब आया, हाँ 712 में तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी,
राजपूत काल से ही तो शुरुआत हुई ना, 1100 के बाद ही शुरू हुआ, उसके पहले कहाँ था? देखिए राजपूत काल का दो पीरियड है, एक तो हर्षवर्धन के बाद शुरू हुआ यहाँ कुछ पीरियड कुछ इलाके में, और पाल वंश के बाद उधर शुरू हुआ पूरे देश में। तो हर्षवर्धन का समाप्ति उत्तर भारत में जल्दी हो गया और उधर पाल वंश का देर में हुआ। पाल वंश तो बंगाल वाला था ना? हाँ, बंगाल वाला, और वो सब बुद्धिस्ट थे। उड़ीसा उसके पास, बिहार उसके पास, पूरी उत्तर प्रदेश उसके पास, बंगाल उसके पास, तो वर्ण व्यवस्था वहाँ कौन लागू करने जाता? तो कलिंग उस समय छोटा राज्य नहीं था, कैसे लागू कर देंगे? कलिंग में बंगाल था, उड़ीसा था, कर्नाटक था, मतलब पूरा पश्चिमी घाट जो था कलिंग में था। जितना मगध बड़ा था उतना ही बड़ा कलिंग भी था। राजा भी बुद्धिस्ट था। हाँ, बुद्धिस्ट पाल 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 राजा बुद्धिस्ट थे ही, और जिस पर आक्रमण किया था वो भी बुद्धिस्ट था अशोक ने। तो ये सब इतिहास की बातें हैं, अब इस पर अध्ययन मनन चिंतन सब करने की जरूरत है। अब दिक्कत यह है कि इतिहास को भुलाया जा रहा है।